और आज है चैत्र नवरात्र छठा दिन। आज होती है माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा। देवी पार्वती ने ये रूप महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए धारण किया था। माता का ये रूप काफी हिंसक भी माना जाता है, इसीलिए माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती हैं, चार भुजाएं हैं, बाएं दो हाथों में कमल और तलवार है, जबकि दाहिने दो हाथों से वरद और अभय मुद्रा वो धारण की हुई है। देवी लाल वस्त्र में सुशोभित होती हैं। जब पूरी दुनिया में महिषासुर का तांडव बढ़ गया, तब देवी कात्यायनी ने उसका वध किया और ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। महिषासुर का वध करने के कारण ही देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो आज माँ देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है और लगातार भगवती मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुंगेली आपको लिए चलते हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ खास मंदिरों में आज छठा दिन और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति, आस्था, समर्पण, श्रद्धा ये भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? प्रशांत जी, ललित जी, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में भी नवरात्रि पर्व पूरे भक्तिभाव और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम लोनमी के महामाया मंदिर में हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमारे सभी दर्शकों को महामाया के दर्शन कराए। और नवरात्रि में माता के सभी नौ स्वरूपों की पूजा होती है। वहीं आज छठा दिन है और छठे दिन में माता कात्यायनी की पूजा हो रही है और पूरे भक्ति भाव के साथ मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं कि मुंगेली के सभी देवी मंदिरों में नवरात्रि पर काफी भीड़ उमड़ रही है और मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। साथ ही साथ जग गीत जगराते के भी आयोजन किए जा रहे हैं और पूरे भक्ति भाव से नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगे कब से आप यहाँ आ रहे हैं, किस तरह की आस्था है आपकी? हमारी हर मनोकामना पूरी हो है क्योंकि माता रानी से श्रद्धा भक्ति की ही आस करते हैं क्योंकि माँ जो है हमारी मनोकामना को आज वर्ष बहुत विशेष दिन है। मैं बचपन से इस मंदिर में आ रहा हूँ और मेरी तो हर मनोकामना वो माता पूरी कर रही है। देख सकते हैं ललित भक्ति भाव से और श्रद्धा से जो पूजा कर रहे हैं, माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी हर मनोकामना माता रानी पूरी कर रही है। वैसे भी कोविड के बाद जिस तरह से मेरों को सब लोग खुले उससे मंदिर पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है और लोग श्रद्धा के बयान में बाहर आए हैं। जिले बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इन तमाम तस्वीरों के लिए और भक्तों से बातचीत भी करवाने के लिए।